इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हथौड़ी का प्रयोग कैसे किया जाता है। हथौड़ी का प्रयोग लकड़ी और धातु में कीलों को ठोकने और उन्हें निकालने के लिए किया जाता है। इसमें दो पूर्णतया प्रतिकूल सिद्धांत शामिल है, बल के साथ मारना और बलपूर्वक हटाना। हथौड़ियाँ कई प्रकार की होती है और कार्य विशेष के लिए सही हथौड़ी के चयन को अनेक कारण प्रभावित करते हैं, जैसे कील का माप, सिर का वजन और आकार, हत्थे की लंबाई और मटेरियल और पंजों की गोलाई। आमतौर पर हथौड़ी में धातु का एक सिर और एक हैंडल होता है, मेटल हेड हैंडल। जांचें कि हथौड़ी का सिर हैंडल के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है या नहीं। हैंडल के चारों ओर उंगलियों को लपेटे और इसे मजबूती से पकड़े। हल्के कामों के लिए हैंडल को बीच से पकड़े। अधिकतम बल के लिए इसे सिरे से पकड़े। और अधिक नियंत्रण के लिए बीच में हाथ रखें और तर्जनी उंगली को आगे की ओर फैलाएं। वर्कबेंच पर लकड़ी को शिकंजे में कसे। इसके नीचे बेकार लकड़ी रखना न भूले ताकि कील से वर्कबेंच की सतह खराब न हो। हमेशा हल्के से कई बार चोट करने से शुरुआत करें और अपना हाथ हटाएं। बल के साथ चोट करने के लिए कोहनी और कंधे से घुमाएं। हथौड़ी को हाथ के विस्तार के रूप में सोचा जाना चाहिए। जब आप हथौड़ी मारते हैं तब कलाई से कोई कार्य नहीं होता है। हथौड़ी के वजन को अपना कार्य करने दे। अपनी आंखें कील पर बनाए रखें, ना कि हथौड़ी और अपने हाथ पर। अपनी उंगलियों का ध्यान रखें। अपनी उंगलियों पर चोट करने से बचें। आपको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप लकड़ी पर चोट न करें और उसे खराब न करें। मोटे कार्यों के लिए बढ़ते बल के साथ चोट करते हैं। आखिरी चील से कील का सिर लकड़ी की सतह के अंदर चला जाना चाहिए। आखिरी चोट से कील का सिर लकड़ी की सतह के अंदर चला जाना चाहिए। यदि हथौड़ी और कील एक सीध में नहीं है तब आप कील को बिना मोड़े ठोक पाएंगे। अपने कार्य को समाप्त करने के लिए लगातार चोट करें। आखिरी दो या तीन चोटों के लिए गति धीमी करें। हथौड़ी को साइड से ना चलाएं। जब भी संभव हो सके लकड़ी के समकोण में ही कील को ठोकने की कोशिश करें। लकड़ी के ऊपर साइड से कील पर चोट न करें। यदि कील मुड़ जाती है या आपको उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है तब आप यह कार्य पंजेदार हथौड़ी की सहायता से कर सकते हैं। कील निकालने के लिए पंजेदार हथौड़ी का प्रयोग करें। यदि आपको पंजेदार हथौड़ी से कील बाहर निकालने में कठिनाई हो रही है तब आपको लकड़ी के एक टुकड़े की आवश्यकता होगी, जिसका आप कार्य पूरा करने के लिए आधार की तरह प्रयोग कर सकते हैं। वॉरिंगटन हथौड़ी की सहायता से छोटी कीलों को ठोकने में आपकी उंगलियों को चोट लगने का खतरा कम होता है। लकड़ी के टुकड़ों को एक सीध में करने के लिए भी यह उपयोगी है। अपनी उंगलियों पर अचानक चोट करने से बचने के लिए आप गत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं। कील को गत्ते के टुकड़े या मोटे कागज के बीच में से निकालें और कील पकड़ने के लिए उसका प्रयोग करें। इस तरह से आपकी उंगलियां हथौड़ी से दूर रहेंगी। जोर से चोट करें और कील को अंदर ठोकें। कार्य समाप्त होने पर गत्ते को खींचकर निकालें। अब आपने सीख लिया है कि हथौड़ी का प्रयोग कैसे किया जाता है।